फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेड इजी वाले हमारे वीडियोस में ये आर्टिकल 4 के बारे में, ये पार्ट 1 में आप चार आर्टिकल होते हैं 1, 2, 3, 4। हमने 1, 2, 3 पहले वीडियोस में देख लिया, अभी फोर्थ आर्टिकल के बारे में जानते हैं। इसका समरी है आर्टिकल 4 का, ये है कि लॉस मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। ऐसे थोड़ा सा मुश्किल वाले वर्ड्स होते हैं लेकिन आसानी होते हैं ये आर्टिकल। लॉस मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3, तो आर्टिकल 2 में हमने देखा कि कैसे एडमिट करते हैं यूनियन में स्टेट्स को, जैसे सिक्किम को एडमिट किया, किस तरह से एडमिट करते हैं उसके तरीके बताया गया। आर्टिकल 3 में यह है कि कोई भी स्टेट का 2-3 स्टेट्स मिला के एक स्टेट बनाना, एरिया बड़ा करना छोटा करना, इसके बारे में बताया। तो लॉस मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3, इन दोनों आर्टिकल्स में जो जो लॉस बनते हैं वो लॉस फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करने लायक ही बनते हैं। तो ये फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल के बारे में हमने पहले देखा। फर्स्ट शेड्यूल में कुछ नहीं होता है कि अलग अलग स्टेट्स किस एक्ट से बने हैं उसके बारे में होता है। जैसे आंध्र प्रदेश ए से है तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आंध्र प्रदेश बना है, इस तरह का डिटेल्स फर्स्ट शेड्यूल में होते हैं। फोर्थ शेड्यूल में यह होता है कि राज्यसभा में अलग अलग स्टेट्स जब बनते हैं, सपोज आंध्र प्रदेश कट के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना है, तो पहले आंध्र प्रदेश में कुछ नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स होंगे, तो बाद में कटने डिमिनिश होने, मतलब दो स्टेट्स बनने के बाद किस तरह से वो डिवाइड होता है उसके बारे में डिटेल्स होते हैं। तो आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी लॉस नया नया सा बनता है तो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएंगे, उस चेंजेस मतलब अमेंडमेंट्स के प्रोविजंस के लिए अलाउ करते करते लॉस बनेंगे। तो एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। सप्लीमेंटल मतलब जो लॉ बन गया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसी टाइम कुछ और चेंजेस हो गया, ये तीनों एक ही हैं, चेंजेस कुछ होते हैं तो उसके प्रोविजंस के साथ बनते हैं, ये हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो डिटेल में आर्टिकल 4 वही चीज़ बता रही है, डिटेल में और थोड़ा सा लंबा सा बता रही है। एनी लॉ रिफर टू इन आर्टिकल 2 और 3, यहाँ भी वही बताया, शेल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल, यहाँ भी उतना ही बताया, टू गिव एफेक्ट to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions, यहाँ भी वही है, including provisions as to representation in parliament. Provisions as to representation in parliament मतलब वही है कि फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में members कितने होंगे वो है, and in the legislature, फिर अपना अपना legislature में भी कैसे representation होगा, और लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट और स्टेट्स मतलब उस जो बनते हैं नया स्टेट और या स्टेट्स बनते हैं ज़्यादा बनते हैं तो वहाँ के लेजिस्लेचर्स में लोगों का MLAs का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा एज पार्लियामेंट में डीम नेसेसरी। इसका सारा लॉ कैसे बनेगी, किस लॉस के कैसे क्या तरीका अपनाएगी पार्लियामेंट जो ठीक समझे उसके तरीके से। और इस आर्टिकल 4 में एक और भी, हाँ आर्टिकल 4(2) भी है, फर्स्ट पार्ट वो है, सेकंड पार्ट ये है, नो सच लॉ एज अफोर्सड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। तो नया स्टेट बना, एरिया बढ़ गया कम हो गया, ये सारे कुछ चेंजेस होते हैं, तो इस चेंजेस को अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं मानना चाहिए। आर्टिकल 368 में डिटेल्स वही होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं। तो हम कोई भी एरिया का स्टेट का एरिया बढ़ाया कम किया आर्टिकल 2 और 3 में, तो उस बढ़ाना कम करना इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें पॉसिबल क्वेश्चंस क्या होते हैं, मेनली ये होता है कि कौन से लॉस को बनते हैं तो अमेंडमेंट फर्स्ट शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल में होता है, तो ये आर्टिकल 2 और 3, और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है क्या, इस तरह के लॉस करना, एरिया बढ़ाना कम करना कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है कि नहीं है, तो नहीं है आंसर। तो ये दो ही क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।